सो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज सुजय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वाले वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कुछ बेसिक वीडियो एडिटिंग टिप्स जो आपको टाइटल एंड थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कट्स लगाना है, ट्रांजिशन, टेक्स्ट, ग्राफिक इफेक्ट्स एंड एनिमेशन, और कैसे एक बेस्ट म्यूजिक सेलेक्ट करना है वो भी अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। सारा कुछ जानेंगे इस वाले वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, क्योंकि हमारा एम ये है कि इस वाले वीडियो से हमारा फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो इस वाले वीडियो में मैं यूज करने वाला हूँ फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो जिन लोगों को फिल्मोरा के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, फिल्मोरा एक बेसिक एंड बिगिनर लेवल की वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करना चाहते हो और आपको एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग नहीं चाहिए तो इस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली पेड है, तो मेरा एडवाइस ये है कि इसका फ्री ट्रायल यूज़ करें, उसके बाद में अगर आपको ये पसंद आता है तो ज़रूर इसको बाय कर सकते हो। तो हम बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ। पहले स्टेप में हम अपने मीडिया को टाइमलाइन पर इम्पोर्ट करेंगे। तो पहले स्टेप में हम अपने मीडिया को इम्पोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ड्रॉप योर वीडियो क्लिप्स, इमेजेस और ऑडियो हियर, क्लिक हियर टू इंपोर्ट मीडिया। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपने वीडियो को सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पे अभी वीडियो को टाइमलाइन पर ड्रैग कर देना है ऐसे, और यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाएगा, द रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट ऑफ दिस मीडिया डज नॉट मैच द सेटिंग्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, डू यू वॉन्ट टू चेंज द प्रोजेक्ट सेटिंग्स टू मैच दिस वीडियो। तो यहाँ पे आपको 25 FPS सिलेक्ट करना है, क्योंकि प्लेबैक आपको काफ़ी स्मूथ लगेगा। तो पहले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करके देखेंगे कि प्लेबैक स्मूथ है या नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम अपने वीडियो में अनवांटेड चीज़ को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टाइमलाइन आपको ड्रैग करके अनवांटेड चीज़ के ऊपर सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर देना है। आप देख सकते हो डिलीट हो चुका है। तो ऐसे करके आपके सारे वीडियोज़ के अनवांटेड पार्ट्स को डिलीट कर देना है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है हमारा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ऐड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजिशन करके एक सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, बहुत ही सारे आपको नेक्स्ट लेवल ट्रांजिशन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सारे पिक्सल्स, वॉर्म होल, ओल्ड ट्विस्ट, काफ़ी सारे। मेरे फेवरेट है डिजॉल्व, ये दिखने में काफ़ी स्मूथ लगता है। इसे ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने टाइमलाइन के ऊपर, ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो अब हम इसका प्लेबैक चेक करेंगे स्टार्ट करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा डिजॉल्व इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल चुका है। इसका ड्यूरेशन चेक करने के लिए यहाँ पे इसको डबल टैप कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूरेशन, इसे मैं 1 सेकेंड सेलेक्ट कर देता हूँ, आप कितने भी सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट तैयार हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं कैसे इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारा एनिमेटेड टेक्स्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ये वाला, मुझे काफ़ी मिनिमल लगा, इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो टेक्स्ट एडिट करने के लिए यहाँ पे आपको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद एडवांस सेटिंग्स पे चले जाना है। एडवांस सेटिंग्स पे आप देख सकते हो इनपुट टेक्स्ट, यहाँ पे आपको
टेक्स्ट इनपुट कर देना है। मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ, तो अब आप इसका आउटपुट देख सकते हो। तो आप देख सकते हो आउटपुट काफ़ी अच्छा दिखने के लिए मिल चुका है। तो ऐसे करके आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। तो टेक्स्ट ऐड करने के बाद हमारा नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स या ग्राफिक्स एनिमेशन। इसे ऐड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो इफेक्ट्स या एलिमेंट्स बोथ, किसी भी पैनल पे आपको चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा या ग्राफिक्स पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लिच इफेक्ट, या एलिमेंट्स में आप देख सकते हो काफ़ी सारे मीम्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। या इफेक्ट्स भी देखते हैं, फायर इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे करके आपको बहुत सारा देखने के लिए मिल जाएगा। तो इफेक्ट्स पैनल में यहाँ पे मैं लाइक एनिमेशन को ऐड कर देता हूँ। तो हमारा ग्राफिक्स एनिमेशन ऐड हो चुका है। इसे आप अपने हिसाब से साइज सेट कर सकते हो। मैं इसे छोटा कर देता हूँ। तो फाइनल आउटपुट हमारा आप देख सकते हो। तो काफ़ी मिनिमल लगेगा ऐसे एलिमेंट्स आपको ऐड करने से। तो अब हम बात करते हैं कैसे म्यूजिक ऐड करना है। म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियो सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑडियोस देखने के लिए मिल जाएगा। मेरा फेवरेट है लिविंग पल्स, यहाँ पे आपको इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे आप इसका प्लेबैक देख सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा म्यूजिक देखने के लिए मिल जाएगा और साउंड इफेक्ट्स भी आपको काफ़ी सारा देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप इस सॉफ्टवेयर से काफ़ी अच्छा बेसिक वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं लास्ट स्टेप की, वो है हमारा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट आप इसमें 4K तक भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसे एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट बटन में आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रेजोल्यूशन चूज़ कर दें, सेटिंग्स पे चले जाना है। रेजोल्यूशन जितना हो सकता है उतना हाई सेट कर दीजिए, 4096, और फ्रेम रेट 30 FPS सिलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे आप ओके करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा बेसिक वीडियो एडिटिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट मिलता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।